बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब कैरियर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अनियंस हैं 1 केजी, करेले भी हैं 1 केजी, 3 टमाटो हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैंने ये 10 से 12 ली हैं और इसको हम धो के अच्छी तरह काट लेंगे। ये जी मैंने सबको काट के अच्छी तरह धो के काट के रख लिया है। दाल को भिगो दिया था, तो एक दफ़ा सारे इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। दाल को अलग से बॉईल करने के लिए रख लिया है मैंने चूल्हे पे। चलें जी, देखें ये तकरीबन 300 ग्राम दाल थी और डेढ़ गिलास पानी था उसमें। तो हमने ऑयल ले लिया है गरम अच्छी तरह करके। हाफ जो है ना वो मैंने करेले ऐड कर दिए हैं इसको फ्राई करने के लिए। हाफ हाफ करके फ्राई करेंगे। करेले जो हैं वो बहुत ही बेनिफिट्स देते हैं हमें, के बहुत ही फ़ायदे होते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं हमारी सेहत के लिए। देखें ऐसे कलर जब देंगे इसको, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। चलें जी, अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे वाले करेले अगर अक्सर भी खाएं ना, जैसे फ्राई करके रख लें तो तब भी करवाहट नहीं देते मुँह में, इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे बन जाते हैं ना ऐसे पानी निचोड़ के जब इसको फ्राई किया जाता है इसका, तो ये बिल्कुल भी करवाहट नहीं देते। चलें जी, ये मेरे एक हाथ में बॉयल था तो उसकी वजह से ये काबू नहीं आ रहे थे। मैं इसको निकाल के फिर आपके पास आ दूँगी। देखिए मैंने अब सारे निकाल लिए हैं, आप जो है अलग से इसको प्लेट में डाल देंगे। चलें जी, बाकी से भी फ्राई कर लिए। तो भी सेम मेथड है, ऐसे से तैयार करेंगे। इधर दाल को तरफ देखते हैं तो दाल तकरीबन 80% हो गई थी। इसको फुल बॉईल करना है तो इसको अभी और रखेंगे हम चूल्हे पे। चलें जी, ये देखें इधर भी कलर आ गया है, ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसको भी हम निकाल के डिश आउट कर लेंगे। ये मैंने अलग से एक डिश में रख लिया था। चलें जी, इसी ऑयल में अब हम अपना अनियन जो है वो डाल देंगे और बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, क्योंकि बिल्कुल गर्म ऑयल था तो मेरे तो छींटे पड़े थे। आप बिल्कुल ध्यान से ऐड करिएगा, ऑयल कम हो तो और डाल लें। मुझे ऑयल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और इसमें जो घी को ना वो ऐड कर दिया। ऑयल डालेंगे, घी डालें एक ही बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। इधर दाल का पानी भी खुश्क हो रहा था और हमारी दाल जो है वो भी अभी थोड़ा सा पानी है, सो हम इसको भी खुश कर लेंगे और दाल भी जो है ना वो हमारी रेडी हो जाएगी। कर देते हैं वो भी सही हो जाएगी। ये देखिए इतना कलर आ गया है इसमें, सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने सब्ज़ मिर्च और टमाटो जो है ना वो काटे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चलिए, अब हम टमाटो को जब तक सॉफ्ट होते हैं तब तक हम इसको पकाएँगे इसी में ऐसे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। ये देखें टमाटोज जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। 1 टेबल स्पून जो है वो नमक का है, 1/2 टीस्पून डाला था वो नमक का, इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है इसमें डाला है। 1 टेबल स्पून ही मैंने जो रेड चिली डाली है, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का,
یہاں پہ جو میری بیٹری لو ہو گئی تھی موبائل کی، تو فلیش جو ہے نا وہ بند ہو گیا تھا. اس میں میں نے ڈال دیا ہے اپنی جو دال تھی، ٹھیک ہے، دال فل بوائل ہو چکی تھی. کریلے ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی، اس کو تھوڑا سا میں نے بھون کے نا دال کو، اس کے بعد اس میں جو ہے نا وہ اپنے کریلے ایڈ کیے تھے، تو وہ والی ویڈیو میں جیسے اسکپ ہو گئی. اب اس کو مکس کر کے یہ تیار کر دیں گے. اب ہم اس میں اور اس میں ڈال دیں گے اپنے گرم مسالہ بھی، اور اس کو ہم دم والی آگ پہ رکھ دیں گے تاکہ رچ بچ بس جائے اس میں سارا کچھ دال اور کریلوں میں. یہ ہم نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ. چلیں جی، یہ ہے ہماری فائنل لک. ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. یہ ہے میری ہبی کے لیے، ان کو دینے لگی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. اللہ حافظ.